मैं कहना जी मैं प्रशासन भी कहना पीडब्ल्यू मैं कहना कहना सत अठ मौतां इत्थां हो चुकियां रोड पर कित्थे पिंड मजारे च दो तीन तीन चार मौतां हो चुकियां पीडब्ल्यू महकमा है कित्थे है कित्थे है ओ क्या नहीं देखदा अगे रोड टुटे पे कित्थे नहीं भर्ती करदे अगे ओ क्यों नहीं देखदे अगे पर सारी पब्लिक परेशान हो भी कद नहीं देखदे अगे ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੀਡਬਲਿਊ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੜਿਆ ਤੇ ਤੇ ਤੀਆ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਇਆ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਰੋਡ ਪਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਪਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੂਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੁਛ ਹੋ ਕੋਈ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡ ਕੌਣ ਸਾ ਇਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੌਣ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਪਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੌਣ ਸਾ ਗਾਂਵ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਕੁਮਾਰੀਆਂ क्या नाम है क्या घटना हुई केशव साहू नाम है जी हमारा हमारे गांव के लड़का है एक शिवम उम्र होगी 19-20 साल दर्शन करने जा रहे थे नैना देवी लौट के आ रहे थे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया खत्म हो गए यही हुआ है नंगल डैम फलाना मजारक पास यही सिविल हॉस्पिटल आनंदपुर साहिब अभी क्या कार्रवाई हो रही है अभी कोई कार्रवाई नहीं वकील आया है पुलिस वुलिस आके देखो क्या होता है क्या नहीं बॉडी वहाँ लगाया हुआ है फ्रिज में आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से अरे यही मांग करते हैं जो बस ठोक गया है हमको कुछ दिलाया जाए यहाँ से यूपी गाड़ी घर जाएगी खर्चा किराया कम से कम 1,00,000 रुपया खर्चा आ गया मेरा नाम अतुल कुमार क्या घटना हुई ओ मेरा भाई गया था नैना देवी उधर दर्शन करने दर्शन करके वापस लौट रहा था तो उधर एक्सीडेंट हो गया था कहाँ कौन सी जगह क्या नाम है आपके भाई का मेरे भाई का नाम आलोक कुमार है कितनी उम्र है उसकी 21 साल होगी उम्र कहाँ एक्सीडेंट हुआ कौन सा गाँव है नंगल डैम के पास आनंदपुर साहिब के पास पलान के पास वहाँ हुआ है गाँव पलान में नजर आया कितनी है जब उम्र आपकी भाई की 21 है मेरे भाई की 21 उम्र है अभी कहाँ लेके गए वो अभी तो इधर हॉस्पिटल में रखे हैं अच्छा आपके अभी तो बोल रहे हैं पुलिस वाले आएंगे पोस्टमार्टम करेंगे फिर देखो क्या करते हैं आगे अभी देख रहे हैं पुलिस वाले आएंगे पोस्टमार्टम करेंगे फिर देखो बाद में क्या करते हैं मेरा नाम है जगदीश क्या एक्सीडेंट हुआ क्या हुआ कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ ये क्या नाम है उसका तो उसका नाम चंदन है कितनी उम्र है उम्र यही 19-20 19-20 साल है कहाँ कहाँ जा रहे थे कहाँ से अब आप सारे नैना देवी से वापस लौट रहे थे कहाँ एक्सीडेंट हुआ ये अभी हमको नहीं मालूम पलान पलान बिन में कल आप महाराजगंज जिला महाराजगंज जिला महाराजगंज जिला हाँ यूपी कौन सा गाँव यूपी यूपी है कमरिया